हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता महेश्वरी फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। बच्चों आइए आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने, जैसे कि आपने आपको पता होगा, हमने यूनिट 15 इसको हमने स्टोरी रीड की थी। आज इस स्टोरी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे। पहले स्टोरी की एक बार समरी पढ़ लेते हैं। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था बच्चों, कि लियो टॉल्स्टॉय जो कि क्या थे, एक रूशियन राइटर, वो गांधी जी के टाइम के थे और गांधी जी कौन थे, हमारे फादर ऑफ नेशन। ओके, उन्होंने कम से कम 100 स्टोरीज लिखी थी, उससे भी ज्यादा। वो बहुत अच्छी मोरल स्टोरीज लिखते थे। एक बार एक यंग मैन, कौन यंग मैन, उनसे हेल्प लेने आया था। तो उन्होंने उन्हें सजेशन दिया था कि, मतलब उन्होंने ऑर्गन्स सेल करने का सजेशन दिया था कि तुम आई सेल कर दो अपनी, या अपने हैंड सेल कर दो, अपनी बॉडी सेल कर दो। तो यंग मैन ने साफ मना करा था और उन्होंने कहा था कि चाहे मुझे अपनी बॉडी के लिए 1 करोड़ रुपए भी मिले, तब भी मैं अपनी बॉडी को सेल नहीं करूंगा। तो इस बात पर ही टॉल्स्टॉय जो थे वो बहुत खुश हुए थे और उन्होंने कहा था, मेरे बच्चे ये जो हमारा शरीर है ये एक अमूल्य खजाना है हमारे पास, तो इससे हम हार्डवर्क करें और सक्सेस पाए। ठीक है, अगर हम हार्डवर्क करेंगे तो हमारी सक्सेस भी जरूर होगी। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर से रिलेटेड देखो यहाँ पर बुक में एक्सरसाइज जो दी है, पहले ऊपर दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज और हैव। यहाँ पर हैज और हैव दिया है, जो अभी आपने बच्चों नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने आपको इज़्तेमार और वॉजवर पढ़ाई है, हैज हैव का यूज नहीं कराया है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। इसको जब मैं आपको हैज हैव का यूज पढ़ाऊंगी उसके बाद आप इसको फिल करेंगे। अभी हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं। इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए हेल्प के लिए, इन वर्ड्स की हेल्प से आपको ये फिलअप फिल करनी है। ओके, देखो नंबर वन है आई डैश विद माई आईज, तो आईज से रिलेटेड हमें वर्क यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, आईज से हम क्या करते हैं बच्चों, सी, तो यहाँ पर हम भरेंगे आई सी विद माई आईज। सेकेंड नंबर है यू डैश विद योर हैंड्स, हैंड से हम क्या करते हैं बच्चों, देखो इनमें से हम कौन सा वर्क चूज करेंगे, वर्क यहाँ पर हम लिखेंगे। ओके, नंबर थ्री ही डैश ऑन हिज लेग्स, लेग से क्या करेंगे, वॉक। दे डैश विद देयर माउथ, माउथ से क्या करते हैं बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं तो क्या कर रही हूं, बोल रही हूं ना, स्पीक। ठीक है, दे स्पीक विद देयर माउथ। वी डैश विद आवर ईयर्स, ईयर्स है हियर, यहां हम लिखेंगे वी हियर विद आवर ईयर्स। दे डैश विद देयर नोज, नोज से कौन सा वर्क होता है, स्मेल। ओके, यहां हम नंबर सिक्स लिखकर यहां लिखेंगे स्मेल। ही डैश विद अ पेन, पेन से राइट। ओके, He writes with a pen. We play hockey with our sticks. Hockey sticks होती है ना? We dash with our tongue. Taste. We taste with our tongue. Number 10. We dash with folded hands. Folded hand. Fold hand करके हम क्या करते हैं बच्चों? Pray. यहां हम लिखेंगे pray. ये आपके फिलअप कंप्लीट होते हैं, आप इनको इन्हीं वर्ड्स की हेल्प से इनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहां पर आपको ये फिलअप अपनी कॉपी में भी करनी है। ठीक, इसी चैप्टर से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं और वर्ड मीनिंग है। तो पहले हम वर्ड मीनिंग करते हैं। यहां से आप कॉपी पर यूनिट 15 डालकर वर्ड मीनिंग डालेंगे। यहां पर देखो ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मीन्स अंग, अफ्रेड डरना, प्रॉब्लम समस्या, बार्गेन सौदा, ट्रेजर खजाना, सक्सेस सफलता, इनवैल्यूएबल अमूल्य। आपको बुक में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स दिए हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ ही वर्ड मीनिंग्स लिखाए हैं बच्चों, क्योंकि अगर आप बुक में देखेंगे बहुत सारे तो आपको लर्न नहीं होंगे। तो आप इसी तरीके से कॉपी पे लिख लेंगे पहले। इसके बाद देखो ये आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। नंबर वन है व्हाट वाज लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय वाज ए ग्रेट रूशियन राइटर। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय कौन थे,
ग्रेट रशियन राइटर. हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आवर नेशन? गांधी जी इज कॉल्ड द फादर ऑफ आवर नेशन. फादर ऑफ नेशन किसे बुलाते हैं हम? गांधी जी को. व्हाट डिड द यंग मैन वॉन्ट फ्रॉम टॉलस्टॉय? यंग मैन टॉलस्टॉय से क्या चाहते थे? द यंग मैन वॉन्टेड सम हेल्प फ्रॉम टॉलस्टॉय. वे टॉलस्टॉय से सम हेल्प चाहते थे ना. व्हाट डू यू डू विद योर आईज? आई सी विद माई आईज. व्हाट इनवैल्यूएबल ट्रेजर डू ऑल ऑफ अस हैव? आवर बॉडी इज इनवैल्यूएबल ट्रेजर डू ऑल ऑफ अस हैव. है ना, अमूल्य खजाना क्या है हमारे पास? आवर बॉडी. ओके बच्चों, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं. इसी के साथ हमारी यूनिट 15 कंप्लीट होती है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.